पचास मिनट बचे अपने पास दिख रहा है वहां से दिख रहा है ना पहले जो कल बताया था ना उसको देखो ध्यान से बाकी चीजें तो समझ में आ जाएगी डायरेक्ट लिख सकते हो मगर ऐसा क्यों आया ऐसा नंबर जो से डिविजिबल हो। अब बात करते, थ्री से डिविजिबल टू डिजिट नंबर थ्री से डिविजिबल टू डिजिट नंबर ठीक है तो हमको पहला नंबर निकालना है हमको तो हमको स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट टू डिजिट, डिजिट सॉरी सॉरी से डिविजिबल टू डिजिट नंबर तीन से विभाजित दो अंकों की संख्या तो सबसे छोटी संख्या कितनी है पहली डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो आप बारह आप डायरेक्ट बारह नहीं लिख सकते हो पहले आपको निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे इस टेन में डिवाइड करेंगे किससे थ्री थ्री जा कितना बचा अच्छा वन बच गया है बचना कितना चाहिए जीरो बचेगा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ जीरो बचेगा तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वन बचा तो आपके पास दो ऑप्शन है इस वन को हटा दो अगर वन को हटाओगे तो पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो जब यहां से वन हटेगा तो यहां कितना आएगा नाइन तो नंबर नाइन जो है वो थ्री से डिविजिबल है लेकिन नाइन वन डिजिट है अब बताओ इसमें ऐसा क्या जोड़ दे कि वो थ्री से डिविजिबल हो जाए मिनिमम मिनिमम टू तो हमने क्या बोल दिया टेन प्लस टू कितना आ गया तो थ्री से डिविजिबल पहला नंबर क्या है दूसरा नाइनटी नाइन में थ्री से डिवाइड होता है इसलिए ज्यादा कुछ ऐडक नहीं है थ्री थ्री सा हो जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट थ्री टू डिज, डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय थ्री समझ आया आप अब आया समझ आगे हमने सेवन से डिविजिबल किया था एक बार सिर्फ फिर से देख लो सात से विभाजित तीन अंकों की संख्या कितनी है तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट थ्री थ्री डिजिट नंबर कितना मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना सेवन से डिविजिबल सात एकम सात सात चौक अट्ठाईस कितना बच गया दो ऑप्शन है तुम्हारे पास रिमाइंडर टू बच रहा है तो अगर इस टू को यहां से हटा दोगे तो 98 जो सेवन से डिविजल लेकिन वो टू डिजिट है हमको चाहिए तीन डिजिट थ्री डिजिट का तो यहां है कितना इसको और कितने चाहिए पांच जब वो सात बनेगा मिनिमम तो हमने हंड्रेड में फाइव ऐड कर दिया तो वो वन जीरो फाइव हो गया जो डिविजिबल है किससे सेवन से अब आया समझ में कंफर्म कोई दिक्कत होगी तो फिर बताना अभी आजाब हम लोग कहां पर कल हम लोगों ने कहाँ से छोड़ा था किसी को डाउट होगा तो फिर पूछ लेना भाई तब तक पूछना जब तक कि डाउट खत्म ना हो जाए हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाइज बिटवीन टेन एंड ट्वेंटी टू फिफ्टी चार के ऐसे कितने क्या लिखा है गुणज लिखा है या क्या लिखा है हिंदी में चार के कितने गुणज है जो दस से दो सौ पचास के बीच में आते दस से दो सौ पचास के बीच में चार के ऐसे कितने गुणज है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर बिटवीन लाइज बिटवीन टेन एंड टू फिफ्टी मैं यहां पर क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाय बिटवीन टेन एंड टू फिफ्टी ये जो मल्टीपल्स है ना इसका गुनच। गुनच मतलब हुआ गुणज गुणज मतलब कि जो फोर के टेबल में आ रहा हो क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या क्या दस फोर से डिविजिबल है नहीं है क्या टू फिफ्टी फोर से डिविजिबल है नहीं है तो टू फिफ्टी के बीच में होना चाहिए और टेन और टू फिफ्टी के बीच में होना चाहिए तो टेन से बड़ी पहली ऐसी संख्या फर्स्ट नंबर जो फोर से डिविजिबल है वो ट्वेल्व है बट डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हो आपको बताना पड़ेगा यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपके पास तो यहां पर हम क्या लिखेंगे टेन और इसके बीच में जितने नंबर होंगे जो किससे डिविजिबल होना चाहिए चार से विभाजित होना चाहिए नंबर कैसे निकालोगे ध्यान से देखना यहां पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहां पर यहाँ टू डिजिट थ्री डिजिट का कोई मैटर नहीं है दो अंकों और तीन अंकों की संख्या का कोई मतलब नहीं है उसने बोला दस से दो सौ पचास के बीच में जितनी संख्या है जिसमें चार से भाग जाता हो वो पूरी निकाल कर बताओ कितनी है तो पहली निकालना पड़ेगा हमारा टारगेट तो पहली संख्या निकाल लो और आखिरी निकाल लो पहले निकाल लो और आखिरी निकाल लो और गैप कितने कितना है वो निकाल लो गैप मतलब कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस वो बोलकर बता चुका है फोर है कोई डाउट तो हम क्या करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इसके और इसके बीच का स्मॉलेस्ट नंबर कितना है और डिविजिबल किससे होना चाहिए दोनों के बीच का नंबर तो हम निकालेंगे स्मॉलेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाय फोर चार से विभाजित सबसे छोटी संख्या अच्छा एक और चीज जो किसके बीच में होना चाहिए दस और दो सौ पचास के बीच में होना चाहिए तो यहां हम लिख चुके हैं अब दस और दो सौ पचास के बीच में चार से विभाजित सबसे छोटी संख्या क्या निकालेंगे हम अभी चार से विभाजित सबसे छोटी संख्या यहां पर डिवाइड करो आप टेन में किससे फोर से ध्यान से सुनना कैसे निकालोगे चार दुनिया आठ कितना आया अब अब आपके आपके पास पास एक रास्ता है बचा कितना दो। तो को दो को हटा दो, दो हटाओगे रिमाइंडर में से तो दो को आपको क्वेश्चन में से भी हटाना सॉरी डिविडेंड में से भी हटाना है भाज्य में से भी हटाना है तो यहां कितना बच जाएगा आठ एट लेकिन ये एट टेन से छोटी है हमको चाहिए का टेन और टू फिफ्टी के बीच में तो इसमें ऐसा क्या जोड़े कि वो मिनिमम छोटा नंबर जो फोर से डिविजिबल हो जाए टू में और टू ऐड कर दो तो वो फोर हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा ठीक है तो जब टू आप इसमें ऐड करोगे तो इसमें भी आपको टू ऐड करना पड़ेगा तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा इक्वल ट्वेल्व तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्रथम पद क्या बन गया 12, इसमें कोई दिक्कत प्रथम पद बन गया ट्वेल्व लास्ट टर्म निकालना है, 250 है. लेकिन 250 में टू फिफ्टी में फोर से डिवाइड नहीं होता है दस और दो सौ पचास के बीच में ऐसी पहली संख्या जिसमें चार से भाग जाता हो और आखिरी संख्या जिसमें चार से भाग जाता हो वो निकालना है तो 250 के लिए हम क्या करेंगे देखो इस एन के लिए क्या करेंगे हम इस 250 में डिवाइड करेंगे किससे फोर से चार छ चौबीस चार दूनी दो रिमाइंडर कितना बच गया रिमाइंडर बच गया दो अब एक बात बताओ या तो टू को कम कर दो या तो टू को ऐड कर दो क्योंकि इस दो को चार बनाने में दो की जरूरत है तो अगर आप दो कम करोगे तो 250 के बीच में आएगा दो को बढ़ाओगे तो 250 से ज्यादा आएगा जो कि हमारे क्वेश्चन से उसका कोई लेना देना नहीं है तो आप क्या करोगे यहां पर 250 फिफ्टी माइनस ए एन इक्वल टू फिफ्टी माइनस टू इक्वल कितना जाएगा 248 कोई डाउट कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है फोर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसमें वैल्यू किसकी चाहिए हमको बहुत अच्छे फाइन वैल्यू ऑफ एन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए जो 10 और 250 के बीच में हो जिसमें किससे भाग जाता हो चार से तो 10 और 250 के बीच में पहली संख्या जिसमें चार से डिवाइड होता है फोर से डिवाइड होता है विच इज डिविजिबल बाय फोर वो है हमारी पहली संख्या ट्वेल्व और 250 के पहले जो संख्या आएगी वो है 248 जिसमें चार से भाग जाता है जो कि ए एन है कोई डाउट है क्या बताओ ए एन कितना 248 फोर्टी ए कितना एन की वैल्यू चाहिए कॉमन डिफरेंस फोर ट्रांसफर करते आता है 248 फोर्टी एट माइनस ट्वेल्व इक्वल एन माइनस वन और ये फोर कितना आएगा दस और दो टू थर्टी सिक्स बाय फोर इक्वल एन माइनस वन सही है ना चार से डिवाइड करो चार पंच बीस, चार छत्तीस, सही है? कितना बचा? फिफ्टी नाइन इक्वल एन माइनस वन वैल्यू किसकी चाहिए फिफ्टी नाइन प्लस एन इक्वल कितना बोलो दस और दो सौ पचास के बीच में साठ ऐसे नंबर है जिसमें किससे भाग जाता है चार से ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट थर्टी टू थर्टी सिक्स फोर्टी फोर्टी फोर फोर्टी एट फिफ्टी टू फिफ्टी सिक्सटी सिक्सटी फोर सिक्सटी एट सेवेंटी टू सेवेंटी सिक्स डॉट 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 पहुंच जाना कहां तक टू फोर्टी एट तक क्वेश्चन में कोई डाउट है दो समझ दो। आया बहुत अच्छे लिखो फटाफट क्वेश्चन कौन सा है फाइव पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फिफ्टीन फाइव पॉइंट टू समझो भाई क्वेश्चन को क्या बोल रहा है फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एन आर द एंथ टर्म ऑफ टू एपीस दो एपी देकर रखी हुई है एक दी है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं गिवन गिवन फर्स्ट एपी फर्स्ट एपी है हमारे पास सिक्सटी थ्री सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन और यहां पर इसको सो ऑन कर देते अच्छा इसके लिए एन नहीं मालूम ठीक ए नहीं पता इसके लिए ए कितना सिक्सटी थ्री इसके लिए डी कितना अच्छा इसके लिए जनरल फॉर्म भी लिख लो ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री डॉट डॉट सो ऑन ए एन तक समझना क्वेश्चन डी आ जाएगा ए टू माइनस ए वन सिक्सटी फाइव माइनस सिक्सटी थ्री कितना आ गया टू सेकेंड एपी लिखते तो एक और जनरल फॉर्म हमने लिखा कैपिटल ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट डॉट सो ऑन ए एन ठीक है और सेकेंड ए पी देकर रखी हुई है थ्री टेन सेवनटीन सो ऑन ए एन लिख देते एन लिख देते ठीक है इसके लिए फर्स्ट टर्म ए इक्वल थ्री फर्स्ट टर्म ए इक्वल थ्री कॉमन डिफरेंस सी डी सार अंतर डी इक्वल ए टू माइनस वन, ए टू माइनस वन, ये कितना टेन माइनस थ्री सेवन अभी फिर से सुनो क्वेश्चन दो एपी देकर रखी हुई है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, जिसमें हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है समझ में आया बोल रहा है दो एपी में आप एन की वैल्यू फाइंड कीजिए जिसमें उसकी एंथ टर्म इक्वल हो ठीक है एन की वैल्यू चाहिए स्मॉल एन फाइंड वैल्यू ऑफ एन मतलब एन का वो मान चाहिए जो दोनों एपी में समान आएगा कहीं ना कहीं तो सेम होगा कौन से नंबर पे सेम होगा ये बताना है? क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें कितना है अगर इसमें दो का इंक्रीज होगा दो बढ़ेगा तो इसमें कितना बढ़ेगा सेवन इसमें दो बढ़ रहा है इसमें सेवन मतलब पांच एक्स्ट्रा में बढ़ रहा है कहीं ना कहीं आके मिलेगी वो एपी कौन से नंबर पर आकर मिलेगी ये बताना है डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोनों एपी के टर्म दोनों एपी के एंथ टर्म बराबर है उसने बोला एंथ टर्म बराबर है लेकिन कौन से नंबर पे बराबर है ये नहीं बताया दोनों एपी के एनवे पद बराबर है तो यहां पर मैं पूरा थोड़ा सा डिटेल में यहां लिख देता हूं एंथ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी पहली श्रेणी का एनवा पद ये बोल रहा है क्वेश्चन में इक्वल एंथ टर्म ऑफ सेकेंड एपी द्वितीय एपी का एनवा पद किसी में किसी को दिक्कत है यहां अच्छा एनवे पद का मान बताओ एन इक्वल ए एन ठीक है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दोनों के लिए हमने स्मॉल और कैपिटल का यूज किया था यहां पर लिख दे रहा हूं यहां पर जगह देख लेते A की जगह पर फर्स्ट एपी के लिए एक की जगह पर सिक्सटी थ्री प्लस एन की वैल्यू ही फाइंड करना है दोनों के लिए माइनस वन स्मॉल डी की जगह पर इक्वल कैपिटल ए की जगह पर एन की वैल्यू ही फाइंड करना माइनस वन और डी की जगह पर कोई डाउट अब इसको सॉल्व कैसे करें यहां पर देखो इस टू का अंदर मल्टीप्लाई करना सिक्सटी थ्री प्लस टू एन माइनस टू इक्वल थ्री प्लस माइनस सेवन ट्रांसफर करो और इधर ला लो सिक्सटी थ्री में से टू माइनस होगा सिक्सटी वन प्लस टू एन इक्वल माइनस फोर प्लस सेवन एन इस टू एन को उधर पहुंचाओ सेवन एन माइनस टू एन सिक्सटी वन माइनस फोर इधर आएगा प्लस फोर ट्रांसफर करते आता है ना बस सब बन जाएगा सिक्सटी फाइव इक्वल फाइव एन वैल्यू किसकी चाहिए सिक्सटी फाइव 13 तेरह पंचे थर्टीन फाइव जा सिक्सटी फाइव समझ में आया तेरह सही है ना yes, अरे मल्टीप्लाई करो भाई थर्टीन फाइव ही होता है समझ में आया yes, अब पूरा पढ़ो क्वेश्चन को दोनों एपी के तेरवे पद आपस में बराबर है दोनों एपी के तेरवे थर्टीन टर्म आपस में कैसी है बराबर चाहो तो आप यहाँ इसका थर्टीन टर्म निकाल लो चाहे इसका आप थर्टीन टर्म निकाल लो दोनों कैसे आएंगे सेम आएंगे आंसर चेक करो एंसर चेक करना है भाई समझ आया क्वेश्चन क्वेश्चन में कोई डाउट थोड़ा जल्दी लिखना है ना सिक्सटीन वाला क्या बोल रहे डिटरमाइन द एपी थर्ड टर्म टर्म इज एंड एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय हुई क्वेश्चन समझ में आ रहा है डिटरमाइन द एपी एपी बनाना है जिसमें थर्ड टर्म तीसरा पद सिक्सटीन है Clear. और बोल रहा है 12. आप एक एक्सीड्स बनाओ जिसका तीसरा पद है सातवां पद पांचवें पद से बारह अधिक है मैंने ये चीज बताई थी तुमको जब भी ऐसी कंडीशन बने कि सातवां पद बारहवें पद से इतना अधिक है या याला पद इससे इतना अधिक है तो एक चीज दूसरा वाला कॉन्सेप्ट लगाओ दोनों के बीच का अंतर कितना है सात एक दूसरे से अधिक है तो दोनों के बीच का अंतर तो होगा ही ना हमको एपी बनाना है और एक और चीज बताओ कि एपी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए एपी बनाने के लिए आपको खाली फर्स्ट टर्म चाहिए और आपको डी चाहिए कॉमन डिफरेंस आप पूरी एपी बना लोगे इसमें कोई डाउट किसी को कंफर्म क्वेश्चन ऐसे ही समझा जाता है जो जो दिया है पहले उसको लिख लो कैसे निकलेगा उस पर ध्यान देते क्वेश्चन नंबर कौन सा ये सिक्सटीन फाइंड एपी फाइंड नहीं करना है बनाना है गिवन क्या है गिवन दैट इन एपी श्रेणी में थर्ड टर्म तीसरा पद तीसरा पद ए थ्री इक्वल सिक्सटीन ए प्लस टू डी लिख सकते हो क्या ए प्लस टू डी लिख सकते हो yes. बहुत अच्छे और उसने जो क्वेश्चन बोला है फिफ्थ सेवंथ टर्म एक्सीड्स बाय by टर्म term, term सातवां पद पांचवे पद से बारह अधिक है सातवा पद पांचवे पद से बारह अधिक है दोनों पदों का अंतर डिफरेंस ऑफ बोथ टर्म इज ट्व ट्वेल्व समझ में आया डायरेक्ट लिखू ए और डी अगर फाइंड कर लेंगे तो एपी बना लेंगे और A और डी ही फाइंड करना है ए थ्री आ गया आपके पास ए थ्री आ गया ए प्लस टू डी या पूरा अच्छे से लिखना चाहो तो अच्छे से भी लिख सकते हो अच्छे से लिखने का सेंस ये लो फॉर ए थ्री एन इक्वल कितना वैल्यू ऑफ एंथ टर्म का फॉर्मूला ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना ए मालूम है ना डी मालूम है लेट फर्स्ट टर्म प्रथम पद ए और सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस डी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया डी तो ए एन की जगह पर कितना थ्री ए के प्लेस पर ए एन की जगह पर थ्री माइनस वन डी ए थ्री इक्वल अच्छा ए थ्री की वैल्यू गिवन है इक्वल टू डी या ए प्लस टू डी इक्वल सिक्सटीन इक्वेशन नंबर टॉपिक ऐसे ही है सारे हो सकता है कहीं पर कुछ और देकर रखा हो इसके पहले हमारे पास दो टर्म देकर रखी होती थी उससे इक्वेशन बनाते थे उसने एक इक्वेशन बनवा दी दूसरी इक्वेशन आधे क्वेश्चन में जो दिया हुआ उससे question, ये लिख रहा हूं भाई, question, से डायरेक्ट लिख लेना कोई क्वेश्चन उसने क्या बोला सातवा पद पांचवे पद से बारह अधिक है सातवें और पांचवे पद के बीच में बारह का अंतर है तो क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं सॉरी ए सेवन माइनस ए फाइव इक्वल ट्वेल्व सातवा पद बताओ ए प्लस सिक्स डी ठीक माइनस ब्रैकेट ए प्लस फोर डी इक्वल ट्वेल्व ए प्लस सिक्स डी माइनस ए माइनस फोर डी इक्वल ट्वेल्व ये कैंसिल सिक्स डी से फोर डी इक्वल कितना डी इक्वल ट्वेल्व बाय डी की वैल्यू कितनी आ गई हमको ए की वैल्यू भी चाहिए तब हम बनाएंगे एपी तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू को उठाकर किस में रख दो फ्रॉम इक्वेशन वन समीकरण एक से समीकरण एक देकर रखा है ए प्लस टू डी इक्वल सिक्सटीन ए प्लस टू इन टू डी के प्लेस पर इक्वल ए इक्वल सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व ए इक्वल लो भाई अब ए आ गया डी आ गया ए तो हम कैसे भी बना लेंगे फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्रथम पद ए वन इक्वल ए इक्वल फोर ए टू कैसे निकलेगा ए प्लस डी फोर प्लस डी की वैल्यू कितनी सिक्स कितना टेन ए थ्री ए प्लस टू डी इक्वल फोर प्लस टू इंटू सिक्स छोनी बारह और चार सोलह अब हम लिख देंगे एपी ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री डॉट डॉट सो ऑन ए वन की प्लेस पर फोर टेन सिक्सटीन सो ऑन क्या बन गई कोई डाउट समझ आया जो जो बोला था जैसा जैसा बोला था उसके हिसाब से चलना है ठीक है समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम फाइंड और गिवन तो लिखो ही लिखो अब सोचो कि उसको कैसे लाए एपी बनाना है जब ए पी बनाना है समांतर श्रेणी बनाना है अरिथमेटिक सीरीज बनाना है तो हमको एक चीज पता है आपके पास ए है डी है तो ए में डी जोड़ो फर्स्ट ए में ए तो फर्स्ट टर्म है डी जोड़ेंगे सेकेंड टर्म जो आया उसमें फिर डी जोड़ो डी जोड़ो डी एड करो डी एड करो और सो ऑन करके एन लिख दो और बोलो कि सर यही हमारी एपी समझ आया जितने अच्छे से समझ में आता है ना उतने अच्छे से घर पे पढ़ा करो क्वेश्चन समझो भाई जहां ये आ जाए ना फ्रॉम द लास्ट टर्म उसको थोड़ा समझना पड़ेगा मैं बोल रहा हूं यहां से यहां से स्टार्ट करते एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह यहां से स्टार्ट करते हैं फिर आखिरी में ठीक मतलब हमारी लाइन ऐसी गई ऐसी और ऐसी और वो आखिरी में ठीक है तो मैं बोल रहा हूं पहले से पांचवे नंबर पर कौन बैठा है एक दो तीन चार पांच ठीक और शुरू से पांचवे पे कौन बैठा है और अंतिम से पांचवे पे कौन बैठा है एक दो तीन चार पांच <laughs> दोनों में अंतर है अरे दोनों में अंतर है नहीं वो बोल रहा है कि पहले से पांचवे नंबर पे तो पहले से पांचवे नंबर पे एक दो तीन चार पांच और अंतिम से पांचवे नंबर पे एक दो तीन चार पांच ठीक है आया समझ दोनों दोनों में डिफरेंस है बेटा क्वेश्चन पर ध्यान दोनों पर डिफरेंस है अब उसने एपी देकर रखी है हमको और बोला है अंतिम से बीसवा पद निकालना है फाइंड ट्वेंटी टर्म ट्वेंटी टर्म फाइंड दैट फाइंड दैट क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन सेवनटीन फाइंड दैट ट्वेंटी टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म अंतिम से बीसवा पद निकालो बीसवा पद अंतिम से बीसवा पद गिवन क्या है गिवन सीरीज है हमारे पास <coughs> सीरीज है एपी, थ्री एट थर्टीन सो ऑन टू फिफ्टी थ्री इसमें किसी कोई दिक्कत है वो बोल रहा है अंतिम से फाइंड करना है अंतिम से निकालना है तो इसको चेंज कर दो एपी क्या हो जाएगी फ्रॉम लास्ट टर्म अंतिम से एपी बना लो 253. फिफ्टी थ्री डॉट डॉट थर्टीन एट थ्री अंतिम से बोला हमने श्रेणी पलटा दी अब फर्स्ट टर्म हो गया हमारा लास्ट से 253 कॉमन डिफरेंस निकाल लो इसको कुछ भी बोल के इधर वाले में से इधर वाला माइनस कर दो और इधर से निकालते तो इससे इस, इसको माइनस करते सॉरी इससे इसको माइनस करते 13 थर्टीन और एट माइनस करेंगे तो फाइव 8 और थर्टीन माइनस करेंगे तो माइनस फाइव दोनों में अंतर है इधर से कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है इधर से नेगेटिव. क्वेश्चन उसने यही बोला है. अंतिम से लास्ट से ट्वेंटी टर्म निकालना है इस 20 के लिए N कितना है अब यहां बना लो एक्वल कितना टू फिफ्टी थ्री कॉमन डिफरेंस डी इक्वल एट माइनस थर्टीन इक्वल माइनस फाइव बस वैल्यू ऑफ एंथ टर्म एनवे पद का मान ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ए ट्वेंटी इक्वल ए फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन ट्वेंटी माइनस वन डी कितना ए ट्वेंटी इक्वल टू फिफ्टी थ्री प्लस नाइनटीन माइनस फाइव ए ट्वेंटी इक्वल टू फिफ्टी थ्री प्लस माइनस माइनस ठीक है 253 में से 95 माइनस कर दो 13 में से 5, 8, 14 में से 9, 5 और 1, ए ट्वेंटी इक्वल वन किसी को दिक्कत क्वेश्चन ध्यान से समझना उसने बोला फाइन ट्वेंटी टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म अंतिम से बीसवा पद तो मैंने अंतिम से का मतलब बता दिया यहां से सीरीज स्टार्ट होगी तो फर्स्ट टर्म अलग सेकेंड अलग थर्ड अलग वहां से सीरीज स्टार्ट होगी तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अलग जितने बैठे उसके हिसाब से तो इधर से प्लेसेस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म अलग हो जा रही उधर से अलग इसलिए हमने क्या किया एक, -एक लाइन से उनको उठाकर सामने से बिठा दिया तो डिसाइड कर लो क्लियर समझ आया लिखो